पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर अयोध्या के संत, विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पक्षकार ने दुख व्यक्त किया है। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येन्द्र दास ने मुलायम सिंह के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद वर्मा ने मुलायम सिंह की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुलायम सिंह यादव को अयोध्या के विकास में दिए गए योगदान के लिए याद किया और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम रामलला से निवेदन यही करेंगे कि उनको अपनी शरण में लें और उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो भी लोग उससे संबंधित हैं, जो आज दुखी हैं, उन दुखी लोगों में उनको शांति मिले, और साथ ही साथ यह स्मरण करें कि मुलायम सिंह जी कैसे रहे और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, उसी पर उन्हीं के परचिन्हों पर चल करके पार्टी का विकास और पार्टी का संरक्षण हो। मुझे लगता है कि जहां पर भी वो जाएं, वो राम भक्त भक्ति स्वीकार करें और प्रभु चरणों में जरूर उनको स्थान मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने दल के, अपने संगठन के और समाज में भी, चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्र क्या कहते हैं रक्षा मंत्री रहे, तो ऐसे व्यक्तित्व का जाना जो है वह दुखद है और उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मैं दुख प्रकट करता हूँ कि उनको शक्ति मिले परिजनों को इस क्षण। मुलायम सिंह जी नेताजी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तक वो दुनिया में रहे और हिंदू और मुसलमानों के बीच के लोग प्रिय रहे, बड़ी दुख की बात है और दुख की घड़ी है कि नेताजी जो है वो हमारे बीच में नहीं है। हम भी जो है चाहते हैं कि नेताजी को जो है भगवान हो, अल्लाह हो और सबके तरफ से उनको आशीर्वाद मिले और उनको जो है दुनिया में भी अच्छी जगह पे रहे और ऊपर भी उनको जो है जगह भी अच्छी मिले, वाला मकाम मिले।